Hello students, welcome to Vatsya Vidyarthi Channel. My name is Sparsh Mehta and आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर टॉपिक नंबर 8.2। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था इसके 4 वीडियोस होंगे, इस हिसाब से 8.2 में क्या बोला है हमने बोला मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन used by single organism। तो बेटा ये है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। बेटा खुद दिमाग लगाओ, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो ही तरह के है ना, इट इज एसेक्सुअल है ना, एसेक्सुअल एंड इट इज सेक्सुअल है ना सर। सेक्सुअल या तो मेल, इट कैन बी मेल और इट कैन बी फीमेल है ना, इट कैन बी मेल और इट कैन बी फीमेल। और एसेक्सुअल की आपकी बुक में टाइप दी हुई है 6 टाइप्स आपको दी हुई है इसमें। अभी मैं एक एक करके सारे टाइप्स का पहले नाम लिखूंगा फिर समझाऊंगा। सर ये देख लो, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल इन मेल एंड सेक्सुअल इन फीमेल एंड इट इज बोथ इन फ्लावर्स और एनिमल्स, फ्लावर्स एंड एनिमल्स। इसका ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ना है हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल्स भी पढ़ना है हमने। तो इतना आपको समझ आ गया। आज मैं बिल्कुल साथ साथ लिखूंगा तो कैसे आगे इसको आप कर लेंगे। आज वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होगी, थोड़ी देर में मैं माइक भी ठीक हूँ तो ऑडियो भी ठीक आएगी। बस आज थोड़ा सा जुकाम है तो थोड़ा सा बियर कर लो। इसके साथ मेरे सामने आपकी एनसीईआरटी खुली हुई है, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पहले सब बोलूंगा फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में एनसीईआरटी दी जानी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक 8.2। आज हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पूरी इस सेक्शन में खत्म करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी खत्म करेंगे। पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ध्यान से समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है वेयर single parent gives rise to offspring when a single parent gave rise to an offspring with or without, with or without genitogenesis। अब इसका मतलब क्या है, when a single parent, जब एक पेरेंट, ठीक है बेटा, एक पेरेंट give rise to offspring, give rise to offspring with और without gametogenesis। अब gametogenesis क्या होता है? gametogenesis का मतलब है बेटा formation of gametes, और sex cells और reproductive cells। गेमीटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। अब मैं सिंपल भाषा में फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स कॉन्सेप्ट होता है स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म फॉर मेल एंड ओवम फॉर फीमेल्स। तो इसमें ये नहीं बनते, जो गेमीटोजेनेसिस है उसमें क्या है फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। ए सेक्शन में गेमीट्स नहीं बनते, पेरेंट या तो बेटा पेरेंट या तो डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, या उसके एक बर्ड आ जाएगी, ठीक, डिवाइड कर सकता है, बडिंग कर सकता है, फ्रेगमेंट्स में कटखोल कर सकता है अपने आप को, ठीक है, अपने किसी लॉस्ट बॉडी पार्ट से, मान लो लॉस्ट बॉडी पार्ट से एक नया का नया पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म खड़ा कर सकता है, सेल खड़ा कर सकता है। तो ये चीजें हम ए सेक्शन में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं ए सेक्शन की कौन कौन सी टाइप्स हमें पढ़नी है। इसकी कुल 6 टाइप्स आपके टेस्ट की एनसीईआरटी में मिली है जो कि हम पढ़ेंगे फॉर बोर्ड्स। बीच में अगर कुछ एक्स्ट्रा जैसे टिश्यू कल्चर दिया हुआ वो भी पढ़ाऊंगा, कुछ अगर मुझे खुद एक्स्ट्रा लगेगा मैं वो भी पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट पहला हमारे पास टाइप है इसका फिजन। क्या टाइप है? फिजन। तो बेटा फिजन, फिजन और फ्यूजन। फिजन मतलब टूटना। फिजन का मतलब ही क्या है? क्या मतलब बेटा? टूटना, टूट जाना। जैसे तुमको मैं एग्जांपल देता हूँ, फिजन जो होती है, जैसे हमने एनसीईआरटी में लिखा है, फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, इट्स लीड टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैज बीन ऑब्जर्व्ड। अब देखो एनसीईआरटी से इतना लिख दिया, मैनी डिफरेंट पैटर्न्स, कौन से डिफरेंट पैटर्न है ये तो बताया नहीं उन्होंने, तो ये हमने खुद देखना है। तो क्या है उसके डिफरेंट फैक्टर्स? ये देखो डिफरेंट पैटर्न्स कौन कौन से हैं? इसके 3 डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। बेटा ये याद रखना है, यहाँ बाइनरी वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि ये 2 में डिवाइड होगा। किसमें डिवाइड होगा? 2 में, तो इसलिए इसका नाम क्या है? बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन। एंड नेक्स्ट आई हैव ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बट हमें करना है बोर्ड्स के लिए, चाहे आप समझ लो पर करना है, किसी ने छोड़ना नहीं है। इस तरह डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि ये समझ नहीं आएगा। तो ये देखो, इसको हम शो करते हैं यूग्लिना। इसमें यूग्लिना मैं लिखकर दिखाता हूँ, यूग्लिना। यूग्लिना में हम इसे शो करके दिखाते बेटा। तो क्या होता है, इसके ऐसे 2 ये फ्लैजिला टाइप्स होते हैं, ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस, तो ये ऐसे 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 लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड करता है, ये ऐसे लॉन्गिट्यूडिनली अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे भी लॉन्गिट्यूडिनली अलग अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनली। बाइनरी मतलब 2 और फिजन मतलब टूटना। एक एक वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ। लॉन्गिट्यूडिनली सीधा, बाइनरी मतलब 2, फिजन मतलब टूटना। इतनी बात समझ आ रहा है? नेक्स्ट आई हैव सिंपल बाइनरी, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है। सिंपल बाइनरी फिजन एनसीईआरटी में जो दी हुई है वो है अमीबा को लेकर। अमीबा की आप कोई भी शेप ले सकते हो, ये आप उसका न्यूक्लियस हो बेटा। तो क्या होता है अमीबा में सीधा थोड़ा सा डिवीजन होना शुरू हो जाती है। पहले होती है काइरोकाइनेसिस। क्या होती है? काइरोकाइनेसिस। तो कुछ लोग सोचते होते हैं यार ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टर्म बोल देता है। एक्स्ट्रा टर्म नहीं है बेटा काइरोकाइनेसिस। जो बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से, शुरुआत से उन्हें पता नहीं होगा काइरोकाइनेसिस क्या होता है। काइरोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ किसकी? न्यूक्लियस की। किसकी? न्यूक्लियस। अगर 8th क्लास याद होगा तो 8th क्लास में काइरो मतलब हमने पढ़ा था न्यूक्लियस, और काइनेसिस का पहले पता है टूटना। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिवीजन काइरोकाइनेसिस। बायो की टर्म मुश्किल नहीं होती, उसे समझना होता है। काइरो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब टूटना, डिवीजन। तो मतलब क्या होगा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। पहले होते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो मैं आपको दिखाता हूँ अच्छी तरह से, ये थोड़ी सी ऐसे ऐसा थोड़ा सा डिवीजन हो जाती है न्यूक्लियस। ठीक, उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाती है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब है बेटा? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सिंपल फ्रैगमेंटेशन में आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसवर्स फिशन। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ज्यादा काफी हो गए। लिख लो एक बार, आप मैं साइड में रखता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर चाहे लिख लो, लिखिएगा। नेक्स्ट आई हैव इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होती है पैरामीशियम। ये देखो पैरामीशियम। ये चप्पल जैसी शेप होती है, चप्पल जैसी। तो ये होता है पैरामीशियम। ठीक है, इसके यहाँ यूजर में और उसको साइड पे सिंगुलर होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होता है? इसमें ट्रांसवर्स ऐसे, ये एस अंदर को जाता है ऐसे। ध्यान से देखोगे ऐसे अंदर को जाती है, अंदर ऐसे अंदर को बढ़ती रहती है, और न्यूक्लियस भी थोड़ा 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 डिवाइड होना शुरू हो जाता है साथ में। ठीक है बेटा, और फिर ये क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं दोनों में, अलग हो जाते हैं। ऐसा पहले पढ़ गए, समझ आ गई बेटा इतनी? चलो अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी में वापस। इरेज कर रहा हूं, देख लो। इतना मुझे लग रहा है समझ आ गया। मैंने डायग्राम सबको समझाया है। ये जो लास्ट वाला ऑर्गेनिज्म है इसका नाम होता है पैरामीशियम। तो बेटा अब हम चलते हैं फिशन पर दोबारा से, और उसकी डेफिनेशन लिखते हैं अच्छी तरह से। फिशन, फिशन की डेफिनेशन होती है when a unicellular organism like bacteria splits into two or more organisms. Generally it is of two types. Tell some a unicellular organism splits into two or more डॉटर सेल्स। इसे बोलते हैं फिजन, इसे बोलते हैं फिजन। पर अगर ये सिर्फ टू हुआ, अगर यूनिसेल ऑर्गेनिज्म इनटू टू डॉटर सेल, तो उसे बोलेंगे बेटा बाइनरी फिजन। ठीक है, क्या बोलेंगे? पूरा वर्ड लिख देता हूं, बाइनरी फिजन। ठीक है बच्चा, और अगर ये मोर हो गया तो ये क्या होगा? मल्टीपल फिजन। दो से ज्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीपल फिजन। इस टाइप में आप लिख लो। चलो आगे चलते हैं हम। ये होते दो टाइप, मैंने आपको बताया, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? दो, और मल्टीपल फिजन में क्या होता है? दो से ज्यादा। ठीक है बच्चा, चलो आगे हम चलते हैं। बाइनरी फिजन एक अमीबा, मैंने आपको समझा दिया है। एक बार इसको लिख लो, कि मैं बोर्ड पे लिखवा देता हूँ, चाहे तो देखो। बाइनरी फिजन एक अमीबा, मैंने वैसे नोट्स पे लिखा होगा, रहने दो, सीधा समझ लो जैसे मैंने आपको समझाया अभी भी। ये देखो, ठीक है। पहले क्या होगा बेटा? पहले होगा क्या? लिखूंगा यहाँ पर एटम के ऊपर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। बिल्कुल आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी के डायग्राम को हल्के में मत लेना, क्वेश्चन डायग्राम में से भी आ जाते हैं। ठीक है, डिवीजन देखो, डिवीजन हो गया टोटल के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिवीजन ऑफ बेटा किस चीज की, साइटोप्लाज्म। किस चीज की बच्चा, साइटोप्लाज्म। ये वन अमीबा, ये सेकेंड अमीबा। टू डॉटर सेल बन गए, कितने बने, टू डॉटर सेल। क्या होगा बेटा ये, बाइनरी फिशर। तो इसका नाम बाइनरी फिशर इन अमीबा। बेटा अमीबा डॉल ऐसा मत आप कर सकते हो क्योंकि इसमें क्या है, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, सुडोपोडियन है, कहीं भी घूमता रहता है, इसकी कोई शेप नहीं है। तो ये पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगी, फिर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इतनी बात समझ आएगा बच्चा आपको। अब इसमें कोई गेमीट्स का लेना देना थोड़ी है कि पहले तुम स्पर्म बनाओ, फिर तुम एग बनाओ, फिर उनके फर्टिलाइजेशन कराओ, फिर हम दो डॉटर सेल। नहीं कोई कभी इन्फॉर्मेशन नहीं हुई, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। तो इस केस में कौन सा टाइप है, एसेक्सुअल टाइप। कौन सा टाइप है बेटा ये, एसेक्सुअल टाइप है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आपने ऐसा ही देखो ये डायग्राम है। और ये जो बेटा आपकी एक्टिविटीज है ना, जो चीज सोच रहे थे इन्होंने तो एक्टिविटी नहीं कराई। लेक्चर नंबर 4 आपके लिए मतलब बहुत ही बढ़िया लेक्चर है। लेक्चर नंबर 4 में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, उसमें पीपीटी पूरा अच्छी तरह लेक्चर नंबर 4 आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें आपकी एक्टिविटीज, ब्लू बॉक्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन, सब कुछ एकदम अच्छी तरह से एनिमेशन वगैरह के साथ आपको कवर करवाया जाएंगे। फिक्र मत करो, अब एक बार थ्योरी आप खत्म कर लो ताकि आपके दिमाग से टेंशन न रहे। ठीक है बेटा, पिछली वीडियो रिस्पॉन्स काफी अच्छा था, तो मैं चाहूंगा और भी अच्छा हो रिस्पॉन्स। आप अपने डाउट्स टेलीग्राम पे मुझे पूछ सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, मैं सबको रिप्लाई करूंगा। और लाइक जरूर करें इस वीडियो को। आगे हम लोग चलते हैं। However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their body, such as seen in Leishmania। बेटा अब है Leishmania। Leishmania क्या करता है, याद है किसी को? बुक में मत देखना, क्लास 9 कॉस का, क्लास 9 का शायद लास्ट चैप्टर था ये। हाँ, उसमें ऐसे बॉक्स के बीच में बना हुआ था लेश्मीनिया। मेरे को याद आ गया, बहुत बढ़िया। लेश्मीनिया which have web-like environment in such a random binary fission occurs in a definite orientation in relation to their structure। अब वो बेटा जो है, जो ये बोल रहे हैं लेश्मीनिया के बारे में, तो बेटा जो मैंने आपको अभी भी बताया ना, ये वाली कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल। देखा आ गया यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल। अब ऐसा है ना, डायरेक्टली आपको लॉन्गिट्यूडनल नहीं समझाया, उसमें लेश्मीनिया दे दिया कि बच्चा खुद सोचे, कि टीचर खुद बताए कि भाई लेश्मीनिया में कौन सी होती है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। उसने क्या बोला, विप लाइक स्ट्रक्चर। मैंने भी क्या बना के दिखाया था आपको बेटा, विप लाइक स्ट्रक्चर। उन्होंने डायग्राम ही पूछा, तो आप डायग्राम ऐसा समझ सकते हो। हम डायग्राम भी बनाएंगे हर एक का, हमें बनाना भी आएगा भी। ठीक है, तो इसमें पहले क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिगर क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिगर। देखो ध्यान से यहाँ पर, पहले न्यूक्लियस वो तो पता ही, सबसे पहले कार्योकाइनेसिस ही होनी है, सबसे पहले होनी कार्योकाइनेसिस है। यहां से उसका धागा निकल जाएगा, यहां से इसका धागा निकल जाएगा। ठीक है बेटा, और फिर एंड में क्या हो जाएगा, एंड में बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, दूर। इसका न्यूक्लियस इसके पास, इसका न्यूक्लियस इसके पास, इसका धागा इसके पास, इसका धागा इसके पास। ये टू डॉटर न्यूक्लियस बन गए। एक दिमाग में था ये टू डॉटर न्यूक्लियस बन गए। यहाँ होनी थी न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन, काइरोकाइनेसिस। दूसरा नाम न्यूक्लियर बेटा, न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन। न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ऐसे बीच में से तब जाना और दो में टूट जाना। अब आपको समझ आया एनसीईआरटी को डीकोड कैसे करना है। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे बाइनरी फिजन खत्म हो चुकी है। बाइनरी फिजन में और आगे देखेंगे एनसीईआरटी में। अब हमें दिया हुआ है, अब हमें करना है मल्टीपल फिजन। कौन सी, क्या समझा है मल्टीपल फिजन में, क्या समझा है मल्टीपल फिजन में, क्या डेफिनेशन थी उसकी मल्टीपल फिजन की। A unicellular cancer like bacteria splits into more than 2 daughter cells. ठीक है बच्चा, बस वहां पर 2 डॉटर। इसमें हमारे को एग्जाम्पल दी हुई है, इसमें हमें एग्जाम्पल दी हुई है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। इसकी प्लाज्मोडियम, इसकी दी हुई है एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। मलेरिया पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, क्या होता है इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में दी है, क्या है मलेरिया पैरासाइट। मैं बिल्कुल आपके साथ लिख रहा हूं ताकि आपको भी समझ रहे, ठीक है। प्लाज्मोडियम इट इज मलेरिया पैरासाइट। इसमें होता क्या बेटा, ये ना आपने अराउंड सिस्ट बना देता है, क्या बना देता है, सिस्ट बना देता है, क्योंकि इसकी कंडीशन में अनफेवरेबल होती है कभी और अंदर में ऐसे ग्रो करता रहता है, ठीक, अंदर ये ग्रो करता रहता है। जब इसको लगता है ये है इसकी अनफेवरेबल कंडीशन, कौन सी कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशंस पे ऐसा होता है। जब इसके फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, जब इसकी फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, ये यहां से टूट जाता है, इसकी सिस्ट टूट जाती है और ये सारे के सारे जो है सारे के सारे बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। समझ आ गया बेटा, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, सिस्ट बनती है और जब उसकी फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो वो टूट जाता है। अब इसके और कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी में ली हुई, मैं आपको बता रहा हूं। अमीबा, कुछ लोग चौंक जाएंगे अमीबा कैसे हो सकता है बेटा। अमीबा भी अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट के अंदर बैठ जाता है, ठीक है, जब उसे लगता है उसकी फेवरेबल कंडीशन आगे वो भी असर हो जाता है। दूसरा मैं आपको बताता हूं, कोई सोचेंगे आरबीसी, आरबीसी में भी मल्टीपल फिजन होता है। समझ आ गया बेटा इतनी बात आपको, मल्टीपल फिजन होता है। इतनी चीज क्लियर है, उतार में इसके ऊपर डेफिनेशन आपको सारी लिखवा दी है और कुछ तो इसमें रह गया नहीं, सारा इसमें कवर हो चुका है। अब थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर जाए, थोड़ा सा तो बेटा क्या आप लोग बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन में डिफरेंस बता सकते हो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है बेटा। ये आप अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप चेक करोगे कि आपने सही करा या गलत करा। आप इतनी चीज को एक बार अच्छी तरह से देख लो, नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे कराता हूं। तो बेटा अब हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन। देखो बेटा, अब मैंने आपको सारी बात बेटा नाम से समझाने पर फ्रेगमेंटेशन समझ लो। फ्रेगमेंट हिस्सा, एशन टूटना, मतलब किसी के साथ एशन, फ्रेगमेंटेशन टूट जाना, फ्रेगमेंट्स में टूट जाना, मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉडी ऑफ अ सिंपल सेंटीसेलुलर मेम्ब्रेन। ध्यान रखना बेटा, अभी मैं समझाता हूं क्यों ध्यान रखना, पहले ध्यान रखो इस चीज पे, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म into 2 or more pieces और maturing, जब मैच्योर हो जाए, जब पैरासिम्पल मैच्योर हो गया, उसका रिप्रोडक्शन की एज आ गई, तब वो 2 या 2 से ज्यादा पीसेस में डिवाइड होता है। पीसेस, ठीक है, पीसेस और मैच्योर होने के बाद ईच सब्सिक्वेंटली टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या कह रहा है वो कह रहा है ये देखो, ये आपकी बुक में एग्जांपल है स्पाइरोगायरा की, स्पाइरोगायरा Spider is an algae. Algae is a part of a plankton, मतलब कि सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या होता है बेटा? ऐसे ऐसे रिपल लाइनिंग में होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये अपने आप को फ्रेगमेंट्स में काट लेता है, देखो ऐसा काट लेता है, नए 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 फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं इससे, ठीक है बच्चा। इनमें भी ऐसे ऐसे होता है, डीएनए नहीं है ये डाटा, ठीक है। अब क्या होता है, ये वाले जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है ये ग्रो करते हैं, पूरा ग्रो एंड फॉर्म्स न्यू स्पाइरोगायरा फॉर द मैच्योर न्यू स्पाइरोगायरा। ये लोग बना लेते हैं, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स भी बना लेते हैं, इसीलिए इसका टेक्निक का नाम क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। अब ये चीज सबको लगेगी आसान है, इतना तो आसान है, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। अब मैं इसके मेन पार्ट पे, जिसमें से बोर्ड पर क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, जिससे आपको पता चलेगा मैंने यहाँ सिंपल मेडिकल का ध्यान लगाने का क्यों बोला था। चलते चलते चलो, इसमें है एनसीईआरटी की लाइन है कि इट इज नॉट वैलिड फॉर एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एनसीईआरटी के लिए हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में काम नहीं करता, मैं भी भाई आप भी हो, तो अगर अपनी बाजू को ऐसे फ्रेगमेंट्स में काट दे तो क्या नवी बाजू बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो इसीलिए ही मैंने यहाँ ध्यान लगाने को बोला था कि सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये हो सकता है, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये नहीं हो सकता, ठीक है बच्चे। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ अच्छी तरह से, ठीक है। अब खुद ध्यान लगाओ, जैसे इम्प्रैक्टिकल है, ऑब्वियस बात है, तुम्हारे पास इतने सारे सेल हैं, जो न्यूक्लियस में सेल है, कितने फ्रेगमेंट्स करोगे? कितने 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 कर लोगे? मिलियन ट्रिलियंस में तुम्हारे पास सेल है, समझ आ रही है बात। तो ये होता है इसका मेन पॉइंट कि ये वैलिड नहीं है सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर। इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे कैन सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। वो सेल बाय सेल नहीं डिवाइड कर सकते, पहले ये सेल होता है, फिर ये सेल होता है, फिर मतलब कि पहले तुम हाथ का सेल डिवाइड करते हैं, एक सिर्फ एक, फिर हाथ का एक सेल, फिर लंग्स का, फिर हार्ट का, फिर स्टमक का, फिर लिवर का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स है। The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply isolated about cellular collection of cells. उसका कहने का मतलब है कि सारे multicellular organisms जो हैं, वो सिंपल ऑर्गेनिज्म कलेक्शन ऑफ सेल्स थोड़ी ना है, पॉलीफेनॉल को छोड़कर बाकी जो है उनमें ये कि सर ऐसे 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 सेल्स ही पड़े, सर हमारे में तो नहीं है। तो इसलिए सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वैलिड नहीं है, स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू। अब क्या होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में? क्या होता है? सेल्स ऑर्गेन्स होते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स, बहुत आसानी तो ऑर्गन सिस्टम बना करती है। अब सेल को डिवाइड करते हैं फ्रेगमेंट्स, तो पहले मैं तो ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन सेल को डिवाइड करो, सेल्स में टिश्यू बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम। मल्टीसेलुलर के पास इतना टाइम नहीं है, इतना मेहनत है, उसमें बहुत सारा काम और भी करना है। तो इसीलिए फ्रेगमेंटेशन जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं आ सकती। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर यूज्ड इन मल्टीसेल इज डिफरेंट, सेल टाइप्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न। रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म आल्सो फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप। रिप्रोडक्शन हम जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक सेल टाइप्स होते हैं, कौन से सेल टाइप्स याद करो? सेक्स सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, उनमें से होती है रिप्रोडक्शन, ठीक है। How reproduction is to achieved from a single cell type? How is the reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cell types? Or NASA is given that there must be single cell types in an organism that is capable of growing and proliferating with other cells. अब देखो अगला आ गया अगले पैराग्राफ की लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, जिन्हों में एक्सरसाइज जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मुझे लर्न ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि एनसीईआरटी नहीं करा रहा हूँ। एनसीईआरटी में सामने खोल कर रखो, वो बेटा कह रहा है कि एक सिंगल सेल से आप मल्टी सेलुलर कैसे बना सकते हो। ऑब्वियसली बात है, ध्यान रखो तुम लोग, हर लोग मल्टीसेलुलर स्पर्म यूनिसेलुलर है, ओवम और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कैसे करते हैं। होता क्या है कि मल्टीसेलुलर जो सेल है इसके पास कैपेबिलिटी होती है अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये ध्यान रखना, अंडर फेवरेबल कंडीशन कैपेबिलिटी होती है इसकी, ठीक है, कि ये क्या बना सके, एक पूरा का पूरा पॉलिफेट करकर अलग और अलग सेल लाइन बना सकता है। उसका मतलब मल्टी सेलुलर के पास एक ऐसी सेल टाइप होती है, ठीक है, जो पॉलीफ्रेट कर क्या बना सकती है, अदर सेल टाइप्स भी बना सकती है, इतनी बात क्लियर सबको। ये आपका फ्रेगमेंटेशन हो गया था, सब डायग्राम में आपको समझा दिया। नेक्स्ट हमारे पास है रीजनरेशन, आप पहले इसको ध्यान से एक बार देख लो। तो बेटा अब हम लोग फ्रेगमेंटेशन पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे रीजनरेशन। The process of getting a full organism from its body part is called regeneration process, जिसमें हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म दोबारा बना सके उसके एक बॉडी पार्ट से। जैसे ये देखो ये, और एक बात सुनो, पहले रीजनरेशन मैंने आपको सारी बायो के टर्म्स कैसे वर्ड्स ही बता दी। रीजनरेशन, रीजनरेट का मतलब जो चीज पहले से बनी हुई है उसी से कोई नई चीज बनाना, रीजनरेट करना, और जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना, उसके बॉडी पार्ट को यूज कर उसे हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। इसके अंदर हमारे पास मेन एग्जांपल प्लेनेरिया भी आती है। रीजनरेशन बेटा हाइड्रा में भी होती है, कुछ लोगों को लगता है सिर्फ बड़ी में होती है, रीजनरेशन हाइड्रा में भी होती है, बट हाइड्रा का हम एग्जांपल बड़ी में ज्यादा लेते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाइड्रा अंडरगोस बड़ी फॉर रिप्रोडक्शन, बट हाइड्रा कैन आल्सो रीजनरेट। तो आते हैं वापस प्लेनेरिया पे। प्लेनेरिया क्या करता है, अपने आप को कट कर लेता है। मैंने ये लिखा है, ये दोनों जो होते हैं इसके बुक्स हैं, सफल होते हैं, आईज नहीं होते, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, देखने में आईज जैसा उनके नोज लगता है, ये नोज नहीं होता, ये माउथ एंड एनस होता है। प्लेनेरिया कौन सी क्लास का है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हमने 9th क्लास में इसे पढ़ा हुआ। तो ये क्या होता है, ये माउथ सॉरी बुक्स एंड सफल वाला पार्ट और माउथ एंड एनस वाला पार्ट और टेल वाला पार्ट ये बेटा रीजनरेट करते हैं। पहले बात तो ये होते हैं, इनको बोलते हैं कैलस, क्या बोलते हैं, कैलस। ये होते हैं मास ऑफ सेल्स। अब ये सेल्स कौन से हैं, ये सेल्स होते हैं टोटिपोटेंट सेल्स। कौन से होते हैं, टोटिपोटेंट सेल्स। एनसीईआरटी में इनसे लिखा हुआ स्पेशल सेल, रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशल सेल्स। वो स्पेशल सेल्स कौन से हैं, टोटिपोटेंट सेल्स हैं। क्यों, क्योंकि इस जो ये कैपेबिलिटी है रीजनरेट होने की उसे क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। तो कैलस जो है ये प्रोसेसेस करता है और उन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि these changes takes place in an organized sequence is refers to as development. ये डेवलप करता है और एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी काम करेगा, क्या रीजनरेशन रिप्रोडक्शन इक्वल होते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में? नहीं, रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन एक नहीं होते मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि हमारे में बहुत सारे ट्रिलियन ऑफ सेल होते हैं, ठीक है, तो वो कितनी बार डिवाइड करेंगे, और अगर कर भी गए तो उन्हें ऑर्गेनाइज कौन करेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म में हम उनको लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीजनरेट करने के लिए कभी-कभी यूज कर लेते हैं। दैट इज एग्जांपल ऑफ लीजर। लीजर में उसके टेल को अगर हम कट कर दे तो उसके पास सेल्स होते हैं और वो रीजनरेट कर लेते हैं अपने टेल को और वापस ले आते हैं, पर पूरा ऑर्गेनिज्म हम नहीं बना सकते। इस पॉइंट को आप एक बार नोट कर लो। फिर हम चलते हैं बडिंग पर। तो बेटा अब हम लोगों ने रीजनरेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बडिंग। बडिंग अब इसका भी नाम से समझो, बडिंग बड जब आती है बड ग्रो होती है, ठीक। अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं, फिर ये बड ग्रो होती है, डिटैच होती है, फिर ये मैच्योर हो जाती है और मैच्योर होने के बाद फिर बड ग्रो होती है, फिर डिटैच होती है, फिर मैच्योर होती है। तो ये बडिंग के ऐसे ही चलता है। इन बडिंग स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज अ बड। अगर मैं आपको हाइड्रा की एग्जांपल दूं थोड़ी सी, तो इसमें क्या होता है, इसका यहाँ से बड ऐसे बाहर आ जाती है, बड ग्रोस आउट एंड देन डिटैच एंड ग्रोस इनटू अ न्यू हाइड्रा। ये एक और हाइड्रा दे देता है। अभी मैं इसको रफ में बना लूं, नेक्स्ट जब अभी मैं इसको पूरा इसको अच्छी तरह से आपको विद थ्योरी भी दिखाऊंगा। विच डिटैच एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये डिटैच होता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है। ये हाइड्रा में भी होता है और यीस्ट में भी होता है। हाइड्रा एंड यीस्ट एक्टिविटी 8.1 में हमने यीस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन जो देखेंगे वो बडिंग ही देखेंगे। अब आप पहले इतनी चीज को नोट कर लो, फिर मैं आपको विद डायग्राम हाइड्रा का और विद उसके सारे पॉइंट्स, सारे प्रोसेसेस थ्योरी में, पॉइंट्स में सब लिखकर समझाता हूं। इतना नोट करो बेटा। मेन हमारे पास जो बडिंग की एग्जांपल होती है वो होती है हाइड्रा, ठीक है। ये हाइड्रा का डायग्राम है। मैं एक एक स्टेप को अच्छी तरह से आपको थ्योरी वाइज समझाता हूं। पहले है हाइड्रा इज अ स्मॉल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एक स्मॉल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय प्रोसेस ऑफ बडिंग यूजिंग इट्स रीजनरेटिव सेल्स। मैंने कहा था ये रीजनरेशन भी कर सकता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाइड्रा यूजेस बडिंग, बट इट कैन आल्सो रीजनरेट। अब ये तो हो गया हाइड्रा का थोड़ा इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन। अब फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट अ स्मॉल बड इज फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ इट्स बॉडी बाय सिंपल मेयोटिक डिवीजन। अब बेटा ये मेयोटिक डिवीजन जो है बच्चों को कंफ्यूज करेगा कि यार ये क्या होता है मेयोटिक डिवीजन। मेयोटिक डिवीजन कुछ नहीं होता, बस तुम ये समझ लो एक से बने दो, बस इतना 2 and 2 बस इतना समझ लो। मेयोटिक डिवीजन होता है एक से बने दो, बस इतना। तो होता क्या है, पहले पार्ट में पहला जो स्टेप है यहाँ पर एक बड ग्रो होती है थोड़ी सी, मतलब बॉडी पार्ट बाहर को आता है वन साइड ऑफ इट्स बॉडी बाय सिंपल मेयोटिक डिवीजन। दिस बड ग्रोज एंड फॉर्म्स माउथ एंड टेंटिकल्स। ये बड ग्रो होता है, ये माउथ और टेंटिकल्स बना लेता है। ये क्या होते हैं, इसके टेंटिकल्स क्या होते हैं, टेंटिकल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, इसके टेंटिकल्स बन गए। ये क्या होता है, इसका माउथ। और जो बड ग्रो कर रही है उसमें भी क्या बन रहा है, माउथ बन रहा है, ठीक है बच्चा। उसके बाद फाइनली द न्यू हाइड्रा डिटैचेस इटसेल्फ। माउथ और टेंटिकल्स पूरे यहां तक बन जाते हैं, पूरे बन जाते हैं यहां तक पूरे बन जाते हैं माउथ। फाइनली द न्यू हाइड्रा डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड लिव एज अ सिंगुलर ऑर्गेनिज्म। फाइनली जब ये पूरा थोड़ा सा साइड में भी ग्रो हो जाता है तो ये डिटैच होकर दोनों अपना अलग, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म मान लीजिए पेरेंट हाइड्रा है, ये पेरेंट हाइड्रा है, तो ये न्यू हाइड्रा जो बड से अभी बना है ये वो वाला है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। पहले हाइड्रा जो स्मॉल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है अपने रीजनरेटिव सेल से, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, बड ग्रो होती है, फिर ये बड और ग्रो करके माउथ और टेंटिकल्स बना लेती है। जब पूरे माउथ और टेंटिकल्स आ जाते हैं ये अपने आप को डिटैच कर लेती है और दो हाइड्रास बन जाते हैं। इस चीज को अच्छे से नोट कर लो। फिर हम लोग चलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पे जो हमारे अंदर, पहले एक बार यीस्ट भी कर लेते हैं। एक मिनट को उतार लिए जरा। अब हम करते हैं यीस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है yeast। एक बर्ड बनी थी ना बेटा, तो yeast में ट्यूब पर बाहर क्योंकि इसमें चेन ऑफ बर्ड्स बनती है, क्या बनती है चेन ऑफ बर्ड। ये जो प्रोसेस था ये 3 to 4 टाइम्स होता है, तो ये अभी हाइड्रा में प्रोसेस हुआ ये 3 to 4 टाइम्स हो जाता है, पर बर्ड डिटैच नहीं करती, बर्ड डिटैच नहीं करती, बना देते हैं बर्ड। ये yeast हो गया ठीक है बेटा, अगर कोई लेबलिंग है इसकी तो ये yeast सेल है, क्या है ये yeast सेल है। तो क्या होता है ये आगे जाता है और इसके ऊपर आ जाते हैं कुछ बर्ड्स ग्रो करते हैं, अभी बोलते ऐसे ग्रो कर रही है ठीक है ये बर्ड अभी आगे, इसको क्या बोलेंगे डेवलपिंग बर्ड, क्या बोलेंगे इसे डेवलपिंग बट ठीक आगे डेवलपिंग बट। इसके बाद ये बट भी थोड़ा थोड़ा पूरा जब डेवलप हो जाती है तो ये थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करने की पोजीशन में ले आती है, ये देखो, और ये डिटैच होती है, बात ये है ये देखो यहाँ तक आ गए, ये पूरी ग्रो कर चुकी है, तो ये हो गया न्यू बट, क्या होगी ये न्यू बट। और यही प्रोसेस 3 to 4 टाइम्स चलता है और हमारे पास चेन ऑफ बर्ड्स आ जाती है, क्या आ जाती है बेटा चेन ऑफ बर्ड्स। चेन ऑफ 3 to 4 टाइम्स ये और होता है और हमारे पास ये चेन ऑफ बर्ड आ जाती है, और जब ये चेन ऑफ बर्ड दिखती है तो इतने सारे की और न्यू yeast बन जाती है, इसे क्या बोलेंगे हम चेन ऑफ बर्ड्स। तो बडिंग हाइड्रा और yeast में क्या फर्क है, हाइड्रा में एक बर्ड निकलती है जो ग्रो करके एक और कैंसर देती है, यहाँ पर yeast में बहुत सारी चेन ऑफ बर्ड्स निकलती है और बहुत सारे yeast हमें मिलते हैं। इतनी आप लोगों को क्लियर हो गया बात। चलो एक और चीज थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में भी, थोड़ा सा क्लियर थोड़ा प्लस वन में है बट कर सकते हो तुम लोग। जर्म्यूल फॉर्मेशन ये प्लस 1 में है थोड़ा सा, प्लस 2 में है पर इसका रिप्रोडक्शन से थोड़ा बहुत लिंक है। जर्म्यूल फॉर्मेशन होती है इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। अगर किसी ने 9th के उन लोगों के लिए जिन्होंने कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है एनटीएससी केबीपीवाई, उनका जर्म्यूल फॉर्मेशन नॉर्मल आता ही है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस मतलब कि पॉलीफेरल एकदम में होता है ठीक है। तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं बस, ठीक ये ऐसे इसके अंदर ऐसे ऐसे बने होते हैं, ये बस सेल्स बने होते हैं इसके, क्योंकि मैं कुछ मटेरियल ना आकाश के मॉड्यूल्स एंड मेनी मॉड्यूल्स अलग अलग इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े मॉड्यूल्स से भी थोड़ा सा मटेरियल उठा रहा हूँ, तो ये वहीं से है थोड़ा ठीक। तो अंदर होता है पहले, बाहर होता है, इसके एंड को बोलते हैं माइक्रोबाइट, क्या बोलते हैं माइक्रोबाइट। इसके अंदर के जो सेल्स हैं ये होता है आर्शियोसाइट, ये पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इनको भी क्या बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल, के टोटिपोटेंट से शो करके पूरा का पूरा नया सेल बना लेते हैं, ये होते हैं आर्शियोसाइट्स ठीक। इनके होता है ऐसे स्पिक्यूल्स लगे होते हैं, कांटे 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 लगे होते हैं, स्पिक्यूल्स कहते हैं, क्या बोलते हैं स्पिक्यूल्स। प्लस 2 में थोड़ा होता है बस, इतना ही हम लोगों ने करना, तो यही होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, इसमें कुछ नहीं होता, ये भी ऐसे ही जैसे ये इस पूरे को हम बोलते हैं जर्म्यूल, क्या बोलते हैं इस पूरे को ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में होता है। क्या होता है, ये अपने जो पोर्स हैं वो सारे के सारे इसमें डाल देते हैं इस बैग में, और इसके पूरे ऊपर वाले एंड को बोलते हैं आर्शियोसाइट, इसको सिस्ट से कवर कर देते हैं, मोटिव से लेयर से कवर कर देते हैं, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। बीच में इसके कांटे कांटे होते हैं ताकि कोई और खा ना पाए, और जो अंदर के सेल्स होते हैं वो आर्शियोसाइट्स होते हैं, और इन्हें बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल। मैंने इसलिए करवाया क्योंकि टोटिपोटेंट का वर्ड आ रहा है इसमें, और ये आपके टेंस के रीजनरेशन से थोड़ा सा लिंक करता है, तो एनटीएस या केबीपीवाई में ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको। जो बोर्ड्स के हैं उनको ये करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनका नोट कर लो। फिर हम चलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पर। तो बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, तो पहले ये छोटा सा टॉपिक ही खत्म कर लो, वेजिटेटिव थोड़ा सा बड़ा है। स्पोर फॉर्मेशन। In spore formation, the parent plant produces 100 of microscopic reproductive units called spores. ये क्या बोल रहा है, स्पोर फॉर्मेशन में जो पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक, 100 ऑफ बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स भेजता है, दैट इज नोन एज स्पोर्स। ठीक है, ये वाला ठीक है। When the spore case, बेटा ये spore case क्या है, sporangium, क्या है sporangium, ये क्या है spore case, क्या है sporangium, ठीक है। तो then the spore spread to air, तो ये जो spores हैं ये बेटा air तक spread हो जाते हैं, लैंड और सॉइल, सॉइल पे लैंड होते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेटेड टू प्लांट। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो ये केस बर्स्ट ही नहीं होता, ठीक है। जब ये केस बर्स्ट होता है ओनली अंडर अ फेवरेबल कंडीशन, ठीक बेटा। अब ध्यान से ये समझो, इस वर्ड को समझो, इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्स आर मींस ऑफ फेर्टिलाइजेशन एंड नॉट अ ट्रू फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। ये ट्रू फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, ये ओनली अ मीन ऑफ पेरिनेशन ही है। अब बेटा पेरिनेशन क्या होता है, पेरिनेशन होता है कि एक सीजन से दूसरे सीजन तक वेट करना, कि अगर एक सीजन में अनफेवरेबल कंडीशन है तो अनफेवरेबल से फेवरेबल तक जो टाइम पीरियड है बीच में, उसमें क्या होगा, उसमें स्पोर्स बन जाएंगे, स्पोर्स एक केस में बंद हो जाएगा उस अनफेवरेबल कंडीशंस पर। पेरिनेशन का मतलब है एक सीजन से दूसरे सीजन तक सर्वाइव करने का जो टाइम है उसमें स्पोर्स बना के रख लेते हैं, पेरिनेशन उसे बोलते हैं। स्पोर्स आर मींस ऑफ पेरिनेशन एंड नॉट अ, स्पोर्स बना के रख लिए अनफेवरेबल, जब फेवरेबल आई केस बर्स्ट हो गया, स्पोरेंजियम बर्स्ट हो गया, और जो स्पोर्स है वो लैंड पर गिरे और नया प्लांट उग गया। अब इसका राइजोपस, ये कौन सा है डायग्राम, इसका ये राइजोपस का डायग्राम समझा दूं, नीचे से शुरू करते हैं। सबसे ये होते हैं राइजोइड्स, जिनसे ये जमीन को अच्छी तरह पकड़ लेते हैं, वैसे ये ब्रेड मोल्ड होता है तो ये ब्रेड को अच्छी तरह से पकड़ लेता है। और ये जो लॉन्ग लॉन्ग ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, क्या बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। और ये फोर के ऊपर स्टाइल स्पोरेंजियम, और इसके अंदर क्या होते हैं स्पोर्स, इसके अंदर क्या होते हैं स्पोर्स। ठीक है बेटा, इतनी आप लोगों को बात समझ आ गई। इसके एग्जांपल और क्या क्या है, इसके एग्जांपल है राइजोपस, क्या है राइजोपस एंड म्यूकर, क्या है राइजोपस एंड म्यूकर। आप इस चीज को नोट कर लो, और हम लोग चलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पर। तो बेटा अब हम लोग करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड बाय ओल्ड प्लांट विदाउट हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट। बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या मतलब होता है, नया प्लांट आ जाता है ओल्ड प्लांट से ही, पर कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे फ्लावर्स की कोई जरूरत नहीं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव मतलब जो वेजिटेटिव पार्ट से जो रिप्रोडक्शन के काम नहीं आते, प्रोपेगेशन मतलब प्रोपेगेट होना, रिप्रोड्यूस होना वेजिटेटिव पार्ट से। यूजुअली इन्वॉल्व द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वन बड प्रेजेंट ऑन ओल्ड प्लांट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। यूजुअली क्या होता है, एक बड होती है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है जो प्रेजेंट होती है ओल्ड प्लांट में, और एक नया प्लांट बन जाता है। एग्जांपल बड ऑफ पोटैटो, पोटैटो क्या होता है ना ऐसे आइज कहते हैं उसे, इसकी एक्टिविटी भी है हमारे पास, एक्टिविटी नंबर 8.5 पे है। बल्ब ऑफ अनियन, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम में क्या होता है, ये लीफ होता है ऐसे, ठीक है, इसके मार्जिन्स पे ऐसे छोटे-छोटे बर्ड्स आ जाते हैं और ये बर्ड्स जब ये पत्ता जमीन पर गिरता है तो ये ऐसे पत्ता गिरा हुआ तो इस बर्ड से ये ऐसे रूट्स निकलते हैं और ये एक नया प्लांट पूरा ले लेते हैं। समझ आ गई बेटा इसकी बात आपको? तो ये थी हमारी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कुछ मेथड आते हैं जैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब होते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग ये सब किसमें आते हैं? आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में। अब हम लोग चलते हैं इसके कुछ यूजेस पर कि इसके यूजेस क्या-क्या हैं, क्यों वेजिटेटिव प्रोपगेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात, ये सीडलेस प्लांट्स को भी ग्रो करवा सकता है, हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस प्लांट्स लाइक बनाना को ग्रो करवा सकता है। आपकी एनसीईआरटी में ये सब एग्जांपल्स हैं, बनाना, ऑरेंज, रोज, बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मीन, ये सब प्लांट्स में सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी लॉस हो चुकी होती है और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज कर कर इनका रिप्रोडक्शन हो जाता है। और जो प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से प्रोपगेट होते हैं दे कैन बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अर्लियर, क्योंकि इनमें कोई वो थोड़ा होना है और कोई कि पहले आएगा फिर पहले पोलर आएगा फिर जर्मिनेट होगा, इनमें सिंगल वेजिटेटिव से हो जाता तो ये जल्दी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स कर पाते हैं बियर। और जेनेटिकली सिमिलर होता है प्लांट प्रोड्यूस्ड, न्यू प्लांट जो है हमारा न्यू प्लांट इज जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट, जो नया प्लांट आता है बेटा वो जेनेटिकली सिमिलर होता है, जीन जेनेटिकली उसके सिमिलर क्योंकि जो जीन्स में थोड़ा चेंज आया है, कोई रिप्रोडक्शन तो नहीं है, कोई जीन्स में चेंज नहीं आया, वो बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होता है। अब हमारी जो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये हमारे कोई खास इतने काम की है नहीं क्योंकि बोर्ड में पूछी नहीं जाती, बस इसका नाम आपको पता होना चाहिए। Unlike in most plants, animal plants can use this process of evolution such as layering, grafting to grow many plants such as sugarcane, rose, grape for agriculture purposes। और ये किसके लिए? और इसका क्या कि एग्रीकल्चरल पर्पसेस में भी काम आता है। कौन-कौन से को ग्रो करवा सकते हैं हम? एग्रीकल्चर पर्पसेस में हम ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग से हम कौन-कौन से प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं? दैट इज शुगर केन गन्ने को करवा सकते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है? रोजेस ग्रेप्स। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो ग्राफ्टिंग लेयरिंग है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको लेक्चर में 4 में अभी थोड़ी देर में इसको समझा देता हूं। इस चीज को आप एक बार नोट कर लो अच्छी तरह से। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यही खत्म होता है। मैंने आपको यहां तक करवा दिया। अब आपका होगा कि आपने ब्लू बॉक्स क्वेश्चन खुद घर से करने हैं एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। पिछली वीडियो में रिस्पांस काफी अच्छा था और इस वीडियो में भी आप लोग प्लीज ऐसे ही अपना रिस्पांस दें। लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग भी समझाऊंगा विद एनिमेशन एंड डायग्राम्स, और इसलिए यहां पे भी समझाया, बोर्ड पे वो बना नहीं पाता इतनी अच्छी तरह से, तो कोई खास का हैंडी कटिंग में क्या कट करके लगा देते हैं, लेयरिंग को ऐसे मोड़ कर सॉइल में लगा देते हैं, ग्राफ्टिंग में दो अलग-अलग स्टेम्स लेते हैं और उनको जोड़कर नया प्लांट बन जाता है। तो बाकी कुछ इतना खास नहीं उसमें भी। ये आपका खत्म हो गया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आज का हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक खत्म होता है। अगले में हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट्स और उसके अगले में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये सब कुछ हम खत्म कर लेंगे। लेक्चर नंबर 4 में आपको बता चुका हूं एक्टिविटीज वगैरह। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये एक्टिविटीज नहीं करवा रहे, बट एक्टिविटी सारे के सारे लेक्चर नंबर 4 में विद डायग्राम्स मैं आपको समझाऊंगा। बन रही उसके लिए भी क्योंकि वो कंप्यूटर पे होगी। तो आज का बस यही एंड करते हैं। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैं फिर से बोल रहा हूँ, इट गिव्स मी मेनी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस। इसके इस चैनल के इस लेक्चर के भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, बाकी कमेंट सेक्शन में भी पूछेंगे, मैं तब भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग।